अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी फाइन 625 की असाइनमेंट नंबर 2 है, क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन। तो इसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप नंबर वन में बोरोअर ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक विद द हेल्प ऑफ मॉर्गेज ब्रोकर। बोरोअर जो होता है ये लोन गेट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक हो सकता है या कोई भी वो एनजीओ, या हमारी इस केस में बैंक है। नंबर 2 है लेंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल्स अ लोन एसेस टू इशुअर सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोवाइड्स द सर्विस बिटवीन द बोरोअर एंड इशुअर। लेंडर जो होता है ये लोन प्रोवाइड करता है, ये किसी की हेल्प से भी किया जा सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी हो सकती है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है बिटवीन द बोरोअर एंड इशुअर। नंबर 3 स्टेप है द इशुअर सेल्स अ सिक्योरिटीज। जो इशुअर होता है वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है। एंड नंबर 4 स्टेप में सर्विस प्रोवाइडर विल कलेक्ट द मंथली पेमेंट्स फ्रॉम बोरोअर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 है डिफरेंट पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। डिफरेंट पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, वो उनको हमने एनलिस्ट करना है और एक्सप्लेन करना है। जो मेन पार्टीज हैं वो 2 ही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लेंडर होता है जो कि लोन प्रोवाइड करता है, और दूसरा होता है बोरोअर जो लोन गेट करता है और फिर इंटरेस्ट पे करता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मंथली बेसिस पर हो सकता है, या केस जो भी केस हो वो जो इंटरेस्ट है मंथली बेसिस पर हो सकता है, सेमी एनुअल बेसिस पर हो सकता है, एनुअल बेसिस पर हो सकता है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है व्हाट इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज द एबीसी बैंक कैन ऑब्टेन थ्रू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन। अब क्या एडवांटेजेस होते हैं जो एक बैंक रिसीव करता है। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज टू प्रोवाइड फंडिंग कॉस्ट। जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि फंडिंग कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए। नंबर 4 है, रिक्वायरमेंट नंबर 4, एसेट बैक सिक्योरिटीज़ के बारे में हमने बताना है कि उनका क्या एडवांटेज है। जो एसेट बैक सिक्योरिटीज़ होती हैं ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं बैक्ड बाय इनकम जनरेटिंग एसेट सच एज क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एंड लोन। एसेट बैक सिक्योरिटी में हमें सिक्योरिटी दी जाती है कि हम हमारे अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं तो हम फिर भी क्रेडिट पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, या लोन पर हम शॉपिंग कर सकते हैं, या वट एवर द केस। नंबर 5 है, एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। बस अब बैंक जो हैं वो थर्ड पार्टीज को हायर करते हैं, तो उनका क्या काम होता है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ब्रोवर और ईश्वर के दरमियान में और अपने सर्विस चार्जेस वो रिसीव करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।